क्या आपके घर के किसी बुजुर्ग को पैरों में दर्द और झुनझुनाहट की प्रॉब्लम है? क्या थोड़ी दूर चलने के बाद उनके पैरों में भारीपन आने लगता है, जिसके कारण उनको बैठना पड़ जाता है? तो हो सकता है कि उनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की समस्या हो। लंबर कैनाल स्टेनोसिस बढ़ती उम्र के कारण होने वाली एक आम बीमारी है। कमर में रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल नर्व्स के दबने की वजह से यह बीमारी होती है। स्पाइनल नर्व्स के दबने की वजह से नर्व्स का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और वह जल्दी थक जाती है, जिससे पैरों में दर्द और सुन्नपन होता है। इस बीमारी का इलाज अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी द्वारा संभव है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। इस सर्जरी में एक डायलेटर रीढ़ की हड्डी तक एक रास्ता बनाता है, जिससे कमर की मसल्स को बिना काटे स्पाइन तक पहुंचा जाता है। डायलेटर के ऊपर से एक वर्किंग कैनुला को स्पाइनल बोन तक पहुंचाया जाता है। आगे का ऑपरेशन एक स्पेशली डिजाइंड एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप से देखते हुए रीढ़ की हड्डी में एक हाई स्पीड बर द्वारा एक विंडो बनाई जाती है। इस विंडो बनाने की प्रक्रिया को लैमिनोटोमी कहते हैं। इस विंडो से स्पाइनल नर्व्स के ऊपर की मोटी हुई लिगामेंटम फ्लवम को निकाला जाता है, जिससे स्पाइनल नर्व्स के ऊपर पड़ने वाला दबाव खत्म हो जाता है। लिगामेंटम फ्लवम और बोन स्पर्स को कैरिसन पंच द्वारा काट कर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर और हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से बहुत ही बारीकी से स्पाइनल नर्व्स के दबाव को हटाया जाता है। हाई मैग्निफिकेशन और कंटिन्यूअस सेलाइन इरिगेशन की वजह से नर्व्स को क्षति पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दबाव हटाने के बाद स्पाइनल नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन से स्पाइनल नर्व्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके बाद पैरों की सुन्नपन और दर्द में आराम मिल जाता है। ऑपरेशन के 3-4 घंटे बाद ही मरीज अपने से चल फिर सकते हैं और एक ही दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए गायत्री हॉस्पिटल रायपुर के नीचे दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल गायत्री हॉस्पिटल रायपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।